नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करेंगे क्लास 11th में सब्जेक्ट चॉइस की, सब्जेक्ट्स फिलिंग की, कि कौन सी स्ट्रीम हम ले, इस बात की बात करेंगे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आज आपको ये बताने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं ये बताने वाला हूं कि CBSE ने इस बार क्या किया है कि मैथमेटिक के दो टाइप रखे हैं। जैसे आपने देखा होगा 10th के अंदर दो टाइप थे, एक बेसिक था और एक स्टैंडर्ड था, इसी टाइप से क्लास 11th के लिए भी उन्होंने दो टाइप रखे हैं। एक रखा है कोर मैथमेटिक और एक रखा है अप्लाइड मैथमेटिक। कोर मैथमेटिक वही मैथमेटिक है जो अभी तक बच्चे पढ़ रहे थे, यानी जो 11th 12th के बच्चे जिन्होंने साइंस लेके पढ़ रहे हैं, मैथ साइंस लेके पढ़ रहे हैं, उस मैथमेटिक को हम बोलते हैं कोर मैथमेटिक। लेकिन जो अप्लाइड मैथमेटिक है वो CBSE ने इसी वर्ष इंक्लूड किया है, या कह सकते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया है बच्चों के लिए। अब बात ये आती है कि CBSE ने ये जो सब्जेक्ट है यानी अप्लाइड मैथमेटिक है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, ये बच्चों को क्या नुकसान होगा, कौन से बच्चे इसे ले सकते हैं, कौन से बच्चे इसे नहीं ले सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं हम कि CBSE ने ऐसा क्यों किया, यानी कि नया सब्जेक्ट जो अप्लाइड मैथमेटिक है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया। फालतू में एक ऑलरेडी आपके पास मैथमेटिक था, कोर मैथमेटिक, तो फिर नए मैथमेटिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका रीज़न ये है कि क्या हुआ, जब 10th क्लास में जब आपके पास दो चॉइस थी, एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक और एक बेसिक मैथमेटिक, उस समय आपको इतना नॉलेज नहीं था कि बेसिक मैथमेटिक कैसा आएगा पेपर उसका और स्टैंडर्ड मैथमेटिक का पेपर कैसा आएगा, उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बच्चों ने क्या सोचा कि यार स्टैंडर्ड मैथमेटिक अगर ले लेंगे तो हो सकता है कि हम इसको क्लियर ना कर पाएँ, एग्ज़ाम में हम फेल हो जाएँ। इस बच्चों ने, बहुत से बच्चे जो सक्षम थे लेने में, उन्होंने भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक नहीं लिया, तो उन्होंने ले लिया बेसिक मैथमेटिक। लेकिन जब उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मैथमेटिक तो आगे मुझे हर फील्ड में काम आएगा, तो अब ना तो वो कॉमर्स की स्ट्रीम में मैथमेटिक ले सकते हैं और ना ही वो ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम में मैथमेटिक ले सकते हैं। तो अब करें क्या, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए CBSE ने ये नया अप्लाइड मैथमेटिक इंट्रोड्यूस किया। अब हम बात करते हैं कि इस मैथमेटिक को कौन कौन लोग या कौन कौन स्टूडेंट इसको ऑप्ट कर सकते हैं या इसको ले सकते हैं। तो पहले तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने 10th क्लास में बेसिक मैथमेटिक लिया था, वो सारे बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक ले सकते हैं और 11th 12th में साइंस की फील्ड चूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था कि जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक ले लिया है वो साइंस फील्ड में नहीं जा सकते थे, यानी कि वो 11th 12th में बेस साइंस नहीं ले सकते थे। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक आने से क्या हुआ कि वो बच्चे भी अब मैथ साइंस ले पाएंगे 11th 12th में जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक 10th में लिया था। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो उन लोग को हुआ जिन्होंने 10th में बेसिक मैथमेटिक लिया, और साथ ही वो बच्चे भी जिन्होंने 10th क्लास में स्टैंडर्ड मैथमेटिक लिया था लेकिन उनके हो सकता है नंबर अच्छे नहीं आए हो, वो भी इस अप्लाइड मैथमेटिक को अपने 11th 12th के सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब अप्लाइड मैथमेटिक को बेसिक मैथमेटिक वाले बच्चे भी ले सकते हैं और स्टैंडर्ड मैथमेटिक वाले बच्चे भी ले सकते हैं। जिन्होंने 10th क्लास में बेसिक और स्टैंडर्ड लिया था दोनों ही बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक को ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो बच्चे आगे जाके IIT नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, IIT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, BSc MSc ये करना चाहते हैं, उन बच्चों ने अप्लाइड मैथमेटिक नहीं लेना है। अगर उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक ले लिया तो वो 11th 12th तो मैथमेटिक से कर पाएंगे, यानी कि मैथ साइंस से वो 11th 12th तो कर पाएंगे, लेकिन BSc नहीं कर पाएंगे, MSc नहीं कर पाएंगे, या इसके आगे जैसे आपको IIT देना है या नीट के एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम बच्चे नहीं दे पाएंगे अगर उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक लिया तो। अब बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स की। तो जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है तो ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो बच्चे मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको मैथ से डर लगता है, मैथ उनके लिए टफ है। कौन सा मैथ? कोर मैथमेटिक, यानी हायर मैथमेटिक उनके लिए टफ लगता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो साइंस में जाए, क्योंकि उनको फिजिक्स अच्छा लगता है, उनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, ऐसी चीज़ें उनको अच्छी लगती है, लेकिन मैथ की वजह से वो साइंस फील्ड में नहीं जा पा रहे। उन लोग के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि वो बच्चे क्या करेंगे कि अब अप्लाइड मैथमेटिक ले लेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके वो PCM में चले जाएंगे। और साथ ही उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जिन्होंने क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक लिया था, जिसकी वजह से वो कॉमर्स की फील्ड में और ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में मैथ नहीं ले सकते थे, वो भी अब मैथ ले पाएंगे 11th 12th में एज अ चॉइस। चलिए बात कर लेते हैं इसके
डिसएडवांटेज की, यानी क्या परेशानी है, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक लिया तो। देखिए, जब भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आती है तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, क्या वो सब्जेक्ट आपके स्कूल में है, क्या उसकी ट्यूशंस, उसकी जो कोचिंग्स है वो आपकी सिटी में अवेलेबल है, क्या उसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इजीली मिल पाएगा। जिसे सपोज़ करिए कि अभी जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक है हमारा, या कह सकते हैं कि जो हमारा कोर मैथमेटिक है, उसके बहुत सारे वीडियो या लगभग सभी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक के वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगे। या जैसे कहते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो कोर मैथमेटिक के तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस जो अप्लाइड मैथमेटिक है उसके नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्लाइड मैथमेटिक ले लोगे तो आपको दुनिया में कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग जो हायर मैथमेटिक पढ़ाते हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक भी पढ़ा सकते हैं और पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूल में मान लीजिए अभी तक जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक पढ़ाते थे या जो हायर मैथमेटिक पढ़ाते थे वो अप्लाइड मैथमेटिक वालों के लिए अलग से टीचर बुलाएंगे स्कूल वाले, ऐसा कुछ नहीं है, वही टीचर पढ़ाएंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा सा उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन वही लोग पढ़ाएंगे और वो पढ़ा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत जरूर जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।